Hello Indians celebrating the Republic Day. Do watch the full video, then put your views over it. India is a blessed country. हमारी भारत माता जैसा कि पेंड किया गया था भारत भाग्य विधाता. हम सब नेशनल एंथम जब सिंग करते हैं तो गूजबम्स आते ही हैं. बट और भी अच्छा होगा जब हम इंग्लिश में सिंग करेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन होल इंडिया, पर ऐसा हो जाए तो और भी अच्छा है. कम ऑन, मुझे इसमें ये सब कमेंट्स नहीं चाहिए कि हमारी टंग हिंदी है और भी अननेसेसरी क्रिटिक्स. मैं बस अपना एक पॉइंट रख रहा कि रोजनी नेशनल एंथम वॉज रिटन इन बंगाली देन इट वॉज ट्रांसलेटेड. सो जब इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो ओरिजिनल लाइंस में सिंग करो ना. वेल, मैं बात कर रहा कि इंडिया में इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में एटलीस्ट इंग्लिश में होना ही चाहिए. अगर ऑलरेडी ऐसा है तो ये प्राउड वाली बात है. और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह समवेयर इट इज़ हैपनिंग सच. नाउ यू कैन पुट योर व्यूज़. वेल, अब यहाँ तक आए ही हो तो वीडियो के साथ सिंग करके जाओ. 3, 2, 1, लेट्स गो. तो आर्ट द रूलर ऑफ द माइंड्स ऑफ ऑल पीपल, डिस्पेंसर ऑफ इंडियाज डेस्टिनी. Thy name rouses the hearts of Punjab, Sindh, Gujarat and Maratha, of the Dravids and Orissa and Bengal. It echoes in the hills and the Vindhyas and Himalayas, mingles in the music of Jamuna and Gangas, and is chanted by the waves of the Indian Sea. They pray for the blessing and sings thy praise. The saving of all people waits in thy hand, the dispense of India's destiny. Victory, 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 the tea. Share and subscribe. Thank you.